नमस्कार। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 जो हाल ही में संसद से पास हुआ है, जिसे आप कृषि बिल कहते के नाम से जानते हैं, उस बिल को लेकर आज पूरे देश में बंदी बुलाई गई, यानी भारत बंद है। और इसका सबसे ज्यादा असर कहां दिख रहा है? तो इसका असर दिख रहा है दिल्ली, इसका असर दिख रहा है पंजाब, इसका असर दिख रहा है हरियाणा, इसका असर दिख रहा है बिहार। कुछ जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसी तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहे हैं, उससे कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक इंटरव्यू शेयर किया गया है और इस इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के समर्थन में है। किसानों को एक खुला बाजार मिलेगा, मंडियों के भरोसे उन्हें नहीं रहना पड़ेगा, ये सारी बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। दरअसल ठीक एक दिन पहले ये इंटरव्यू एक न्यूज़ एजेंसी को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी थी, उसी इंटरव्यू को प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, हम वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, इसके बाद भी हाल में संसद में पारित कृषि विधेयक उनके लिए क्यों जरूरी हो गए थे, इस बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने विस्तार से बताया है। इसे हर किसी को सुनना और जरूर देखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी के शब्द हैं जो उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, आपको भी पता है कि पंजाब में बंदी है और बंदी का सबसे ज्यादा असर वहां दिख रहा है। हरियाणा जो कि एक कृषि बहुल राज्य है, वहां भी इसका असर दिख रहा है, वहां भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव जो कि ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं आज इस बंदी की वजह से, क्योंकि रेल ट्रैक को सुबह से ही किसानों ने जाम कर रखा था, इसी वजह से कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। पंजाब के अमृतसर में जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है, उसने 24 सितंबर को यानी कल से ही रेल रोको आंदोलन चला रखा है और इस वजह से काफ़ी ट्रेनें वहाँ प्रभावित हुई हैं। खास तौर पर वो ट्रेन जो कि दिल्ली से पंजाब के रास्ते जाती हैं, दिल्ली से बिहार को जाती हैं, उन ट्रेनों पर असर पड़ा है। मैं नाम बता देता हूँ, स्वर्ण मंदिर मेल, जनशताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली जम्मू तवी एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, ये वो ट्रेन है जिनके आवागमन पर असर पड़ा है। इसके साथ साथ बिहार जाने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। तेजस्वी यादव की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह वो ट्रैक्टर पर सवार होकर इस बिल का विरोध करने निकले हैं। कई पार्टियां, आपने संसद में देखा होगा किस तरह बवाल हुआ, कई पार्टियों के सांसद, तकरीबन 8 सांसद तो सस्पेंड कर दिए गए थे, जिसमें टीएमसी के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद थे और मार्क्सवादी लेफ्ट की पार्टियां थी तो उसमें शामिल उनके सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे राज्यसभा में, क्योंकि वो बिल का विरोध कर रहे थे और उन्होंने जो उपसभापति थे उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी, इसी आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया था। लेकिन कई ऐसी बड़ी पार्टियां जो सरकार में शामिल थी, जिसमें अकाली दल जैसी पार्टियां थी, उन्होंने, हरसिमरत कौर ने तो सरकार से मंत्री पद छोड़ दिया, वो प्रसंस्करण मंत्री थी, लेकिन उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और वो बाहर हो गई इस बिल का विरोध करते हुए। तो सरकार पर चौतरफा दबाव बनाया गया, इस बिल को किसानों के खिलाफ बताया गया कि कॉरपोरेट के हाथ में किसानों को गिरवी रखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है ये सरकार बता रही है, सच्चाई क्या है ये प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया है। आप नरेंद्र सिंह तोमर का वो इंटरव्यू जरूर देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश करिए ये बिल कैसे किसानों के फायदे के लिए। नमस्कार सर, ANI के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। जो कृषि संबंधी जो बिल पास हुए हैं दोनों हाउसेज में, क्या आप हमें इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि ये किसानों को, खासकर लघु किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में कार्यभार संभालने के बाद लगातार उनकी सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता किसानों के प्रति रही है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों को MSP लागत का 50% मुनाफा जोड़कर घोषित की जाए, यह निर्णय 10 साल UPA की सरकार में नहीं हो पाया था, मोदी जी ने इस निर्णय को किया। इसी के साथ साथ खेत में उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, किसान की लागत कम हो, इसका एक अभियान चलाया गया। जब प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही,
तो उस क्रम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ किसानों के साथ मिलकर मिशन मोड पर इस पर काम करना प्रारंभ किया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि ये दुनिया की पहली आय सहायता योजना है जिसमें कि एक साल में 75,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने से निकलकर किसानों की जेब में जाता है और अभी तक 93,000 करोड़ रुपया किसानों को इस योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। हमारे देश में 86% किसान छोटे हैं, तो छोटे किसान का उत्पादन भी छोटा है और मार्केट से उसकी दूरी भी ज़्यादा है, खुद भी निवेश नहीं कर सकता, दूसरा निवेशक भी उसके पास नहीं पहुंचता है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने छोटे किसान की ताकत और छोटे किसान के उत्पादन का वॉल्यूम और उसका रकबा बढ़े इस दृष्टि से कृषि उत्पाद संगठन FPO देश भर में 10,000 नए बनाए जाएंगे जिस पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च करेगी। इन FPO के माध्यम से एक नई क्रांति पूरे भारतवर्ष में किसानी के क्षेत्र में आएगी। साथ ही साथ कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 1,00,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसानी के क्षेत्र में घोषित हो जाएगा, लेकिन मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ का अवसंरचना फंड प्रावधित भी किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 8 जुलाई को मंत्रिपरिषद ने उसे पास किया था और 9 अगस्त ठीक एक महीने के भीतर उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने 1,128 करोड़ रुपया स्वीकृत करके छोटी छोटी कॉपरेटिव को दिया जो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेंगे। ऐसे सिलसिलेवार लगातार एक के बाद एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उठाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी यह ध्यान में आ रहा था कि जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होगा तब तक किसान के बारे में जो हम उन्नति का सोचते हैं वो संभव नहीं हो पाएगा और इसलिए भारत सरकार ने 2 अध्यादेश बनाए जिनको जारी किया गया और अब वो अधिनियमित हो गए, विधेयक बन गए हैं। एक है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक और दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं का करार विधेयक। ये दोनों जो विधेयक हैं ये निश्चित रूप से किसान को APMC की जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था उसको मुक्त करने वाले हैं, आज़ाद करने वाले हैं और जो छोटा किसान है उसे भी अपने उत्पादन की बुआई के समय गारंटी मिल सके और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, नए बीज का उपयोग कर सके, अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग कर सके, अपनी लागत को कम कर सके, एकीकृत सिंचाई में जुड़ सके और साथ ही साथ वह निजी निवेश को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से ये दोनों बिल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।